बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद राबिया। आज मैं बना रही हूँ बीफ कीमा बॉक्स पैटीज। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने चीज़ें ली हैं। 250 ग्राम बीफ कीमा लिया है, 1 बड़े साइज़ का चॉप प्याज लिया है, 1/2 प्याली धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ समोसा शीट्स। मसालों में मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, और ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। तो चलिए हम बीफ कीमा बॉक्स पैटीज रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पतीली में ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल, साथ ही इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट और इसे मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी कीमा, बीफ कीमा, और इसे मैं अच्छे से भूनूंगी कलर चेंज होने तक। इसको यहाँ पे भून लिया है, अब इसमें पानी रह गया है, इसको हाई फ्लेम पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो पानी यहाँ ड्राई हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर, कूटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी हुई है, इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च, धनिया और प्याज, और यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैं पकाऊँगी। तो फिलिंग हमारी यहाँ बन के रेडी है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिलिंग हमारी यहाँ ठंडी हो चुकी है और यहाँ पर मैं लूँगी एक अंडा, इसको फेंटूँगी और पैटीज़ को मैं अंडे से जोड़ूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 शीट्स ली हैं, एक शीट को मैंने सेंटर में रखा है और इस सेंटर वाले पार्ट में मैं फिलिंग ऐड करूँगी। और इस तरीके से इनके कॉर्नर्स को आपस में जोड़ दूँगी इस तरीके से। अंडे की जगह आप मैदे की पेस्ट भी बना के लगा सकते हैं। तो ये देखें, बॉक्स पैटीज हमारा यहाँ पे रेडी है। इसी तरह मैं दूसरा भी बनाऊँगी, सेंटर में रख के इसमें ऐड करूँगी फिलिंग। और इनके कॉर्नर्स जोड़ दूँगी आपस में। तो इसी तरीके से मैं सारे कीमा बॉक्स पैटीज रेडी कर लूँगी। तो देखें, यहाँ पे मैंने सारे बॉक्स पैटीज रेडी कर ली हैं। अब मैं इनको एयरटाइट कंटेनर में रख लूँगी। आप 15 से 20 दिन के लिए इनको फ्रिज में रख के फ्राई करके खा सकते हैं। अब मैं इनको कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऐड किया ऑयल और फ्लेम मैं यहाँ पे मीडियम रखूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी कीमा बॉक्स पैटीज। तो ये देखें, यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं, 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होंगे। इनकी साइड चेंज करूँगी। तो ये देखें, कीमा बॉक्स पैटी हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, को लाइट गोल्डन कलर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये ज़्यादा अच्छे फ्राई होते हैं। तो कीमा बॉक्स पैटीज हमारे यहाँ पे रेडी हैं, कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं।
और इनकी फीलिंग भी बाहर नहीं आई। तो इसकी मैं कटिंग करूँगी, ये देखें। बीफ कीमा बॉक्स पैटीज हमारे यहाँ बन के रेडी हैं। आई होप आपको मेरी ये सिंपल इजी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे टी टाइम स्नैक और अफ्तारी में ऐड कर सकते हैं, तो आप इसे अपने अफ्तारी में ज़रूर इंजॉय करें। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दें, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।